हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन, फिर चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन आया है वो है सेकुलरिज्म के बारे में। क्वेश्चन ये है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, इसमें कौन सा सेकुलरिज्म है उसको फुलफिल है वो करता है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है वो सेकुलरिज्म को क्लियरिफाई है वो कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है या राज्य है वो किसी भी धर्म में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज द वेयरिंग ऑफ टर्बन। टर्बन का मतलब यहाँ पे होता है पगड़ी, जो पंजाबी सिख लोग होते हैं वो सर पे पगड़ी बांधते हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई है कि जो पगड़ी बांधी जाती है सिख कम्युनिटी में उसको एक्चुअली वहाँ की धार्मिक मतलब धार्मिक मान्यता माना गया है। तो ये आपको बताना है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो धार्मिक कम्युनिटी होती हैं उनको कोई भी अपनी स्कूल है कॉलेज है वो स्थापित करने की अनुमति है या मान्यता है वो उनको दी गई है। और चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियन। तो आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी भी धर्म वगैरह को प्रमोट कर सकती है नहीं कर सकती। क्वेश्चन बेसिकली सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती। तो अब आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले पहले स्टेटमेंट की बात करें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्टेट है वो किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो देखो ये पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि काफी धर्मों में अनटचेबिलिटी है उसको मतलब स्वीकार किया गया है, बट उसके बावजूद भी स्टेट ने इसके अगेंस्ट कानून बनाया, तो कहीं ना कहीं राज्य इसने हस्तक्षेप तो किया ही है। इसके साथ ही आप ट्रिपल तलाक की बात कर सकते हो, वुमेन राइट्स को लेकर भी हमने देखा काफी जगह, इसका मतलब राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप करता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो अगर पहला हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी, ऑप्शन यहाँ पे सी होता है। सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो वो यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनपीटी के बारे में। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नेवर जॉइंड एनपीटी। पहला ऑप्शन है इजराइल सॉरी इंडिया, दूसरा इजराइल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा साउथ सूडान। तो देखो मैं आपको बताऊँ, एनपीटी है वो किसी ने भी साइन नहीं किया, ना तो इंडिया ने साइन की है, ना इजराइल ने, ना पाकिस्तान ने, ना साउथ सूडान ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तीसरा जो क्वेश्चन आया है वो आया है यहाँ पे मोलास बेसिन के बारे में कि इट इज रेफर्ड टू एज द मोलास बेसिन। ये है क्या, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि मणिपुर में है ये, दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि नागालैंड में है, तीसरा ऑप्शन दिया गया मिजोरम में है, चौथा ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में है। तो देखो हम बात करें मोलास बेसिन की, ये है बेसिकली यहाँ पे मिजोरम में। मिजोरम की हम बात करें तो मिजोरम को रोलिंग माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी संख्या में माउंटेन है वो है, और इसी के साथ जो माउंटेन है ना इनके पास में पैरेलल खाई बेच रही है, मानो कि कोई माउंटेन श्रृंखला है, इसके पास पास में बगल में साथ साथ में खाई भी है, एक तरह से हम बोल सकते हैं गर्त है या बेसिन है वो पाए जाते हैं। तो इसलिए घाटी उसाद वो पाई जाती हैं पहाड़ों के समांतर, और जो काफी सेडिमेंट्स जो नदियां होती हैं वो यहाँ पे लाके जमा करती रहती हैं, इसको हम मोलास बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि मोलास बेसिन है वो क्या है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आज की हमारे क्वेश्चन पीआईबी की तरफ। जो पहला आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके। देखो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये एक अभी न्यूज में क्यों है, पहला फैक्ट तो है न्यूज में भी इसलिए है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो अभी मतलब से प्रस्ताव कर रहा है कि भाई वो एक अलग से फाइनेंशियल बॉडी है वो बनाई जा सके। क्यों? क्योंकि देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाइनेंसिंग में काफी दिक्कत आ रही है, तो उनका ये प्रस्ताव है अभी कि भाई हमें अलग से अपना एक ऐसा बैंक बनाए, फाइनेंशियल बॉडी बनाए जो कि सोलर अलायंस को लेकर जो भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोन वगैरह देना हो, फाइनेंस करनी हो, तो वो पैसा प्रोवाइड करवा सके। तो ये होगा, तो अभी इसके लिए बातचीत हो चल रही है एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी। तो ये हुआ कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखो ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन के द्वारा मान्यता रिकॉग्नाइज की गई है, और उसका हेड ऑफिस इंडिया में है। तो यह पहला इफेक्ट यहाँ पे बन जाता है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में गुरुग्राम में है जो कि हरियाणा या आप दिल्ली एनसीआर के एरिया में आते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये बना था पेरिस एग्रीमेंट के बाद, पेरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस डिक्लेरेशन हुई थी उस टाइम पे 2015 में, उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस का निर्माण है वो किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है
कि ग्लोबल जो ऑल ओवर वर्ल्ड है इसके अंतर्गत 2030 तक 1000 मेगावाट की सोलर एनर्जी की कैपेसिटी है वो तैयार की जा सके, या फिर दूसरे तरीके की बात ये की गई है कि भाई 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर तक का सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है वो किया जाए। ये इसके दो मेन मोटो है वो रखे गए हैं। तो ये ध्यान रखने की हमें 1000 गीगावाट की यहाँ पे बात है वो की गई है 2030 तक। अब ये करता क्या है, देखो ये करता ये है कि जो भी कंट्री जहाँ पे सोलर पोटेंशियल काफी अच्छा है उन कंट्रीज के अंदर मतलब उनको एक तरीके से सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाता है, उनको नई नई टेक्नोलॉजीज है वो देना। इसके साथ ही उनका मेन मोटिव रहता है कि भाई कम मात्रा में सॉरी जो कम रेट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके। अब देखो कम रेट में इलेक्ट्रिसिटी कब होगी, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। आप खुद इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट लगाइए कि किसी भी चीज की रेट कम कब होती है, जब उस चीज की मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या होगा कि हमें सोलर एनर्जी को मार्केट में इतना ज्यादा लाना होगा ताकि इसकी रेट कम हो जाए तो लोग इसको इजीली अफोर्ड भी कर सकें और पॉल्यूशन भी नहीं होगा इससे, तो ये इसके बेनिफिट भी यहाँ पे हो जाएंगे। तो एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से निपटने में भी काफी हेल्पफुल है वो रहेगी। इसके साथ ही यह जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है सोलर एनर्जी के एरिया में कैपेसिटी बिल्डअप के प्रोग्राम है उनको यह प्रमोट भी करता है। तो यह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो फैक्ट हमने हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है द स्मार्ट फूड इनिशिएटिव। देखो कंटेक्स्ट तो ये था कि द स्मार्ट फूड इनिशिएटिव है इसके काउंसिल की भी मीटिंग है वो हुई थी एशिया के अंदर। कंटेक्स्ट में कुछ खास नहीं है बट हमें यहाँ पे वर्ड आता है कि स्मार्ट फूड। अब आपके दिमाग में होगा भाई स्मार्ट फूड क्या होता है, स्मार्टफोन तो हमने सुना है। देखो जैसा स्मार्टफोन होता है उसी तरीके से स्मार्ट फूड है। स्मार्टफोन में क्या होता है, काफी सारे फीचर्स होते हैं एक ही फोन में, वही बात यहाँ पे है। स्मार्ट फूड का मतलब ये होता है कि वो खाना या वो फूड जिसके अंदर के बहुत सारे एक तरीके से न्यूट्रिशंस वगैरह हो काफी अच्छे अच्छे, मतलब एक तरीके से उसमें इनोवेशन ऐड कर दिया गया हो, जो मटेरियल हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो वो उसके अंदर सारे ऐड हैं वो किए गए हो। सीधी सी बात अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो स्मार्ट फूड का मतलब ये है कि वो फूड जो हमारे इनोवेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है उसको इम्प्रूव किया गया है और उसमें मैन मेड की काफी सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं जिससे वो काफी सारी न्यूट्रिशंस हैं बेनिफिट हमारी हेल्थ को प्रोवाइड करवा सके। तो एक तरीके से फूड में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी भी उसमें इंक्लूड है वो होती है, जो जो प्रोटीन विटामिन की हमें जरूरत होती है वो सब उसमें ऐड किए हुए हों वो होता है स्मार्ट फूड। एक तरीके से हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ उसका फायदा क्या होता है। इसका फायदा देखो एक तो ये होता है कि जो भूखमरी है इसके साथ ही हम बात करें कि जो मोर्टेलिटी है कुपोषण की समस्या है इनसे निपटने में काफी हेल्पफुल है यह फूड है वो रहता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं उसकी कंटेक्स्ट की तरफ स्मार्ट फूड इनिशिएटिव के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट फूड इनिशिएटिव है ये अभी इसकी काउंसिल की मीटिंग है वो हुई थी। तो स्मार्ट फूड जो इनिशिएटिव है ये इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा एक तरीके से स्टार्ट हो क्या करता है। तो यह फैक्ट ध्यान में रखना है कि स्मार्ट फूड इनिशिएटिव है वो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक जो एरिया है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। मोटो क्या है, इसका काम यह है कि जो फूड सिस्टम है इसको बिल्डअप करना, किस तरीके से अच्छा फूड लोगों को मिल सके, हेल्दी फूड लोगों को मिल सके और एक तरीके से फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो, मतलब ऐसा अनाज हो ऐसा फूड पैदा हो कि लोगों को भी उसका बेनिफिट खूब अच्छा मिले, कुपोषण की समस्याएं ना हो, इन सब समस्याओं से निपटा जा सके और किसानों को भी अच्छे खासे प्रॉफिट इससे हो सके। इसके साथ ही हम बात करें इसके अंदर फोकस सबसे ज्यादा किया गया है मिलेट को। देखो मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज, आपको पता है कि मोटा अनाज में फाइबर भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है और उससे हार्ट संबंधी डिजीज होती है उनका खतरा भी कम होता है, जैसे दलिया हुआ जो वगैरह हो ये जो चीजें हैं रही हुई ये आते हैं मिलेट्स में। और आज के टाइम पे गवर्नमेंट को काफी प्रमोट भी कर रही है, क्यों, क्योंकि एक तो इन जो मिलेट्स होते हैं इनका प्रोडक्शन इंडिया में काफी अच्छा होता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मिलेट्स के बारे में ध्यान रखना कि मिलेट्स को प्रमोट करते हैं। इसके साथ ही देखो ये नीचे वाला जो पॉइंट यहाँ पे है ये है मेंस के लिए नजरिए से कि जो स्मार्ट फूड इनिशिएटिव है उससे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट जो हमें प्रावधान किए हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी। एक तो पॉवर्टी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 1 है, हंगर है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 2 है, वहाँ पे भी हमें बेनिफिट इससे मिलने वाला है। इसके साथ ही जो कंजप्शन एंड जो प्रोडक्शन है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में बेनिफिट मिलने वाला है। क्लाइमेट चेंज से भी निपटने के लिए हमें यहाँ पे बेनिफिट होगा जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट दे रहा है। देखो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट हैं उस तरह वो आपको याद है वो रहने चाहिए मेन से आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि उनका हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी आंसर राइटिंग में यूज है वो कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आया है वो है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। देखो कंटेक्स्ट यह है कि अभी ग्लोबल कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज सामने आई हैं और उन्होंने एक अपना अलायंस एक ग्रुप बनाया है, किस लिए, ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको एलिमिनेट है वो किया जा सके और मेनली फोकस किया जाएगा ओशियन पे।
तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज है देखो, वो तो हमें याद तो नहीं करना है, बट एक बार हम उनको थोड़ा नजर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इनिशिएटिव लगा है। जैसे इंडिया की जो रिलायंस कंपनी है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बाकी वर्ल्ड की अदर कंपनीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी सारी कंपनीज है, इन्होंने आप एक तरीके में हिस्सेदारी ली है। एक अलायंस है, ग्रुप है, वो बनाया है कि भाई प्लास्टिक वेस्ट है इससे निपटा जा सके, जो आपको पता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम है इससे सामने बढ़ती जा रही है। अब देखो जो अलायंस है वो एक तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे डिजाइन है, वो किया गया है, और इसमें नॉर्थ साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी हैं, यूरोप की है, एशिया के हैं, साउथ ईस्ट एशिया की, अफ्रीका की, मिडिल ईस्ट की भी हैं कंट्रीज शामिल है। ये ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया में से कोई सी कंट्री भी यहाँ पे शामिल नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसमें कोई कंट्रीज में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है। अब यहाँ पे बात करें इसके मेंबर की, देखो मेंबर है उनको क्या करना होगा, उनको करना ये है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है इसको मैनेज करना होगा, अगर मार्केट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेज मतलब आया हुआ है तो उसको उन्होंने रिड्यूस करना होगा। रिड्यूस कैसे, कि जो क्वालिटी है प्लास्टिक का तो वो अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको रिसाइकिल करने में काफी इजिली भी आए, काफी हेल्प है वो मिल सके। जैसे कहीं भी प्लास्टिक को बनाया जा रहा हो, यूज किया जा रहा हो, उसको बेचा जा रहा हो, उसकी प्रोसेस की जा रही हो, ये सारे काम है वो इनके द्वारा किए जाएंगे ताकि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज है वो किया जा सके। क्योंकि देखो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो एक आज के टाइम पे हमारी जो फूड चेन है उसके अंदर भी इंटर है वो करता जा रहा है, तो इससे काफी ज्यादा डिजीज है वो भी फैलती जाती है, म्यूटेशन है वो भी जीनोम में आ जाता है, तो काफी सारे डिजीज भी हो सकते हैं, इसलिए ये एक इनिशिएटिव दिया गया है, तो ये अच्छा इफेक्ट है बन गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट के बारे में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट हो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो यह पब्लिश की जाती है एक लंदन बेस्ड एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क है जिसका नाम है प्राइस वाटर हाउस क्रॉप्स PwC, इसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। अब देखो इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसकी डिटेल्स दी गई है कि भाई उनको कौन चीज़ उसको इफेक्ट कर सकती है, इसके साथ ही क्या क्या आगे का प्रोजेक्शन रहेगा, क्या क्या उम्मीदें ली गई हैं वो सब इसमें बताया गया है। जैसे इंडिया के बारे में कहा गया कि भाई इंडिया की जो अभी रिसेंटली ग्रोथ रेट चल रही है 7.6 के आसपास, अगर ये ग्रोथ रेट चलती रही तो इंडिया है वो इस साल 2019 के एंड तक यूके को क्रॉस कर देगा, मतलब यूके से आगे है वो इंडिया की इकोनॉमी है वो पहुंच जाएगी, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में इंडिया शामिल हो जाएगा यूके के आगे, ये इसमें कहा गया। तो हमें यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि ग्लोबल इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट हो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट और है किससे रिलेटेड। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का इनिशिएटिव अनाउंस वो किया है। क्या यह यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का मेन मोटिव ये रखा गया है कि हमारे देश के जो यूथ है, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके माइंड को ऐसे डेवलप किया जाए ताकि वो मतलब सेटेलाइट वगैरह इसरो के प्रति उनका अट्रैक्शन है तो उन बच्चों को पहले से आइडेंटिफाई करके उसी दिशा में उनको कार्य वो करवाया जा सके, मतलब बच्चों में साइंटिस्ट वैज्ञानिक की भावना को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। इसमें देखो एलिजिबिलिटी ये की गई है कि 8वीं स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा, उनको पहले थोड़ी एक तरीके से उनको क्लासेस वगैरह हैं वो कोर्स वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा, थोड़ा लेबोरेटरीज वगैरह की, और उसके बाद में उनको सेटेलाइट बनाने का मौका है वो दिया जाएगा ताकि वो छोटे छोटे सेटेलाइट हैं वो बिल्डअप कर सकें। तो इसमें से जो हमारे 29 स्टेट हैं उन हर स्टेट में से तीन तीन बच्चों को सिलेक्ट है वो किया जाएगा, और यूनियन टेरेटरीज में भी बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनसे सेटेलाइट है वो मतलब बनाने में उनको हेल्प है वो की जाएगी। तो यह ध्यान रखना है कि एक तरीके से इस जो स्पेस रिसर्च है इस एरिया में यंग माइंड को इम्प्रूव करने के या यंग माइंड का वहाँ पे यूज करने के लिए एक तरीके से यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में वो स्टार्ट किया गया है, तो बच्चों से इसमें छोटे छोटे सेटेलाइट हैं उनकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ऑपरेशन कबड्डी के बारे में। देखो ऑपरेशन कबड्डी है वो हुआ तो वैसे 2001 में इसकी बात की गई थी, बट इसको उस टाइम पे इसको अंजाम है वो नहीं दिया गया था, तो अभी ये वर्ड न्यूज में है तो हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कबड्डी किस रिलेटेड है। ऑपरेशन कबड्डी है वो देखो जो LOC जिसके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है उस रीजन के अंतर्गत हमने देखा था कि वहाँ पे जो LOC बॉर्डर भी बनी हुई लाइन वहाँ पे काफी ज्यादा हमने देखा था कि भाई BSF वगैरह आर्मी है मतलब काफी ज्यादा टेंशन से वो रह रही है, इसलिए उस एरिया में जो घुसपैठ होती है उस घुसपैठ को कम करने के लिए प्रावधान किया गया था ऑपरेशन कबड्डी में कि भाई जो पाकिस्तान की साइड से जो जो पोस्टें बनी हुई है ना LOC वाले बॉर्डर के एरिया पे उन पोस्टों को ध्वस्त है वो किया जाएगा अंदर घुस के ताकि वहां पे शांति स्थापित की जा सके और जो पाकिस्तान ने जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको मतलब एक तरीके से अंजाम है उसको दबाया जा सके, इसके लिए प्रावधान किया गया था एक ऑपरेशन है वो रखा गया था, बट इसके बाद ये इसको अंजाम इस ऑपरेशन को रियल फॉर्म में इम्प्लीमेंट है वो नहीं किया गया था,
वैसे केवल बात इसकी की गई थी, तो ये न्यूज में आया तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ऑपरेशन कबड्डी है वो किस रिलेटेड है। ये कुछ एक तरीके से बोले तो कुछ सर्जिकल स्टेप का टाइप का ही था। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। देखो इंडिया में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पहला तो बना था उत्तर प्रदेश में और दूसरा अभी बना है तमिलनाडु में। तो कंटेक्स्ट यह है कि जो सेकंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि तमिलनाडु में, उसका भी इनोग्रेट है वह उसको भी इनोग्रेट है वो किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ध्यान रखना कि दोनों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, बस इसमें यही फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसका फायदा क्या होगा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट है उसको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको स्टेबल करने में काफी बेनिफिट है वो मिलेगा, और जो सामान है डिफेंस सेक्टर का वो इजिली मूव है वो कर सकेगा, तो इसलिए दो कॉरिडोर है वो बनाए गए हैं। तो ये ध्यान रखना कि पहला तो बना था उत्तर प्रदेश में और दूसरा है वो अभी बना है तमिलनाडु में, तो उसको भी इनोग्रेशन है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया स्मॉल वुड ब्राउन बटरफ्लाई के बारे में। देखो अभी स्मॉल वुड ब्राउन बटरफ्लाई है उसको डिस्कवर किया गया है। ये एक्चुअली 120 साल पहले से ही उम्मीद की जा रही थी ये खत्म हो गई है, बट अभी इसके वापस से मतलब देखने की उम्मीद है वो की गई है यहाँ पे सिक्किम के अंतर्गत। तो इसका नाम वो रखा गया है यहाँ पे लेथे निकेटेला। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बटरफ्लाई की स्पीसीज है वो कहाँ पाई गई है, तो ये पाई गई है यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क में बटरफ्लाई की स्पीसीज है वो पाई गई है। यह इंडेमिक है ईस्टर्न हिमालय में, क्योंकि यह ईस्टर्न हिमालय में ही पाई जाती है और 1800 से 2800 मीटर की हाइट पे पाई जाती है फॉरेस्ट में। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, देखो ये इसकी अदर स्पीसीज भी पाई जाती हैं इस बटरफ्लाई की, तो वो पाई जाती हैं यहाँ पे जापान के में भी, इसके सुंडा आइलैंड है वहाँ पे भी, सर्बिया में भी, हिमालय की रीजन में भी और पेनिनसुलर रीजन में। बट जो यहाँ पे हम बात करें लेथे निकेटेला की, ये तो इंडेमिक है जो कि केवल और केवल ईस्टर्न हिमालय में ही पाई जाती है। और जो ये वुडन बटरफ्लाई है ना, इसकी वर्ल्ड में लगभग 41 स्पीसीज है वो पाई जाती है, बट इसमें से 32 स्पीसीज है वो तो अकेले इंडिया के अंतर्गत सिक्किम में ही पाई जाती है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा स्मॉल वुडन ब्राउन बटरफ्लाई की स्पीसीज है वो पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है मॉस रोज के बारे में, कि भी दो नई स्पीसीज है मॉस रोज की वो डिस्कवर की गई है। तो है क्या, देखो मॉस रोज का मतलब होता है काई, आप सुना होगा काई के बारे में, तो उसकी भी नई दो स्पीसीज पाई गई है साउथ इंडिया में, कुछ इस तरह की होती है काई। ये देखो ये है मोसोस, इनकी भी नई स्पीसीज है वो पाई गई है दो। इनके नाम क्या क्या है, देखो यूपीएससी नाम पे तो फोकस नहीं करती है, बट एक बार आप नाम है वो देख लेना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि दो स्पीसीज, एक का नाम है यहाँ पे ये रहा पोर्टुलाका बेडमिका और दूसरे का नाम है पोर्टुलाका लक्ष्मी नारायण याना। तो देखो इसका नाम तो आपने सुना होगा लक्ष्मी नारायण याना, ये पक्षी राजन का नाम इन्होंने रोल भी निभाया था, क्योंकि इन्होंने पक्षियों के लिए काफी अच्छा काम किया था और पुणे में जो बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इनका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रहा था, तो उनको सम्मानित करने के लिए उनके नाम पे ही इस स्पीसीज का नाम है वो रखा गया है। और जो पोर्टुला का बेडमिका है ये एक्चुअली वहां की स्पीसीज के नाम पे ही है, मतलब वहां का लोकल नाम है उसको दिया गया है। और जो पोर्टुला का जो बेडमिका है ये एक्चुअली बादामी पहाड़ी है, जो बादामी हिल है वहां पे डिस्कवर है वो की गई है, ये ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही हम दोनों की बात करें आयुषियन की लिस्ट में, तो देखो आयुषियन की जो लिस्ट है इसके अंदर जो पहली स्पीसीज है जिसके हम बात कर रहे हैं पोर्टुलाका बेडमिका, ये तो है डाटा इनसफिशिएंट वाली लिस्ट में, मतलब इसके लिए डाटा है वो भी है ही नहीं, बहुत कम डाटा इसके बारे में मिला है। और दूसरी जो स्पीसीज है यहाँ पे पोर्टुलाका लक्ष्मी नारायण सिंह नियाना, ये एक्चुअली क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, तो ये दोनों फैक्ट भी यहाँ पे छोटे से इंपॉर्टेंट है वो है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।